इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर मतलब एक क्लास में हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं. जैसे कि अभी तक हम लोग ने दो टाइप के कंस्ट्रक्टर देखे, एक विद नो आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम है ओपन क्लोज ब्रैकेट, कंस्ट्रक्टर का नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट में दो आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर सप्लाइज द डेटा वैल्यू डायरेक्ट. तो अगर आप कंस्ट्रक्टर में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं तो वहां पे क्या करता है कंस्ट्रक्टर, आपका जो भी है वो डेटा वैल्यू सप्लाई करता है. लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट लिए हैं विद द कंस्ट्रक्टर, तो फंक्शन कॉल के टाइम एप्रोप्रिएट वैल्यू आपका मेन के थ्रू पास हो जाता है. तो ये है आपका फंक्शन कॉल के द्वारा पास किया गया वैल्यू, और ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पास करता है. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. देखिए, क्लास इंटीजर है MN, दो प्राइवेट डेटा मेंबर है, और ये इंटीजर जो है हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है. लेकिन हम लोग ने क्या किया है, क्लास के अंदर ही सारे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर भी किया है, डिफाइन भी किया है. तो डिफाइन मतलब डिक्लेरेशन ऑलरेडी हुआ है. तो इंटीजर एक हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, जहाँ पे m इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज हुआ है. आप देख सकते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट. सेकेंड कंस्ट्रक्टर में आपका दो आर्ग्यूमेंट है, टू सेकेंड कंस्ट्रक्टर एंड इट हैज टू आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे m में a का वैल्यू असाइन होगा, n में b का वैल्यू असाइन होगा. और थर्ड जो इंटीजर है, ये क्या हो रहा है, इंटीजर एम्परसेंट आई, मतलब आई के एड्रेस को रेफर करके उसमें जो वैल्यू होगा वो असाइन होगा MNN पे. तो ये थर्ड कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इंटीजर ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट. तो ये जो इंटीजर है वो एज अ ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है वेरिएबल को. आप देख सकते हैं ये जो इंटीजर आई हम लोग ने लिया है, वो उसमें जो भी वैल्यू है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है फॉर MNN. ठीक है, तो ये तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट का यूज आपने देख लिया. ये तीनों एक साथ हम लोग एक ही क्लास में यूज कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास. तो इसको, ये जो तीनों आर्ग्यूमेंट है, हम लोग इसमें कैसे वैल्यू पास करेंगे, चलिए देखते हैं. टू पास वैल्यू टू द अबव कंस्ट्रक्टर, पहले जो इंटीजर I1 था, सॉरी नॉर्मल इंटीजर जो था विदाउट आर्ग्यूमेंट, हम लोगों को तो तीन इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा या फिर कुछ वैल्यूज उसमें पास करने पड़ेंगे फ्रॉम द मेन. तो अगर हम लोग इंटीजर I1 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन्वोक द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं था, तो नॉर्मली जो आप एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे या फिर लिखेंगे ये तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है. इंटीजर I1 मतलब ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास. तो ये जो I1 ऑब्जेक्ट है ना, ये डायरेक्टली कॉल करेगा नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर को. ठीक है, जहाँ पे MNN का वैल्यू जीरो है. फिर I2 ऑब्जेक्ट में जो 2040 पास है, ये कौन सा को कॉल करेगा, जहाँ पे int भी दो आर्ग्यूमेंट था. तो m का वैल्यू 20 होगा, n का वैल्यू 40 होगा. देखिए, और इंटीजर I3 I2, इसके इसमें हम लोग ने क्या दिखा था, ये जो आई था यहाँ पे वो एज अ ऑब्जेक्ट काम किया था MNN के वैल्यू के लिए. तो ये जो थर्ड वाला है ना इंटीजर I3 I2, ये काम करता है कैसे, आपको यहाँ पे पता चलेगा. वैल्यूज ऑफ आई मतलब ये जो I2 है, ये भी एक ऑब्जेक्ट था, तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू था दैट विल बी कॉपीड टू I3. तो अगर ब्रैकेट दो ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखा गया हुआ है, तो इसका वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिक्लेरेशन को बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर विद सच काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर. और एक टाइप का भी कंस्ट्रक्टर है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जहां पे हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. ये आप लोग ने देखा है फंक्शन के यूज में कैसे हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया है, मान लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कॉम्प्लेक्स इज अ कंस्ट्रक्टर, फ्लोट रियल एक आर्ग्यूमेंट है, फ्लोट इमेजिनरी एक आर्ग्यूमेंट है, जिसका वैल्यू मैंने सेट किया है जीरो. तो यहाँ पे जीरो वैल्यू सेट कर दिया है ना, तो वो हो जाएगा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स सी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जहां पे हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू 5.0, तो एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो वैल्यू असाइन होगा रियल में, और इमेजिनरी में जीरो वैल्यू ऑलरेडी रहेगा. मान लीजिए और एक एग्जांपल है,
कॉम्प्लेक्स सी वन मैंने पास किया वैल्यू 5.0 2.5, तो यहाँ पे दो वैल्यू है तो 5 असाइन होगा रियल पे एंड 2.5 विल बी असाइन टू इमेजिनरी। तो इस तरह से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम करता है।